दोस्तों, हमारी जर्नी की शुरुआत में ही ये लोगों ने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये किसी तूफान या मस्ती के आने के पहले की शांति है या एवरेस्ट जाने की तैयारी? सारा और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे ही ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे डिनर के लिए आए हुए थे, ऑर्डर कर दिया है और वेट कर रहे हैं अभी। एंड नाउ वी हैव रीच्ड अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाय, हेलो 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 पीपल। और ट्रॉली में सारा सामान लोड कर दिया है। ये देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट की एंट्रेंस जो है कुछ इस तरह की दिखती है। I'll be pushing back shortly. Hope you have settled down. If not, I need to do so. The distance to Delhi is approximately 770 kilometers, which will be covered in flight time of 1 hour and 10 minutes. So sit back, relax and enjoy the flight. Thank you. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम आनंद मेहता। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, इस वक्त मैं वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट बिजीएस्ट एयरपोर्ट से ये शूट कर रहा हूँ व्लॉग। यानी कि हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे है अभी। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि गांधीधाम से वाई ट्रेन हमने जर्नी स्टार्ट की अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ के अभी दिल्ली आए हैं। और इसके बाद आगे और कहाँ पे जाने वाले वो आप व्लॉग देखते रहिए, आपको आगे आगे पता चल जाएगा। अभी तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे है, हम लोग वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी फ्लाइट है वो अभी एक डेढ़ घंटे के अंदर है यहाँ से। सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। बाय द वे, आज 20th May 2022 है और बहुत ही बढ़िया व्लॉग की सीरीज़ जो है वो आने वाली है। ये पूरी जो हम लोग यहाँ पे वेकेशन के लिए पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। व्लॉग देखते रहिए आगे और भी। अभी तो ये शुरू किया है मैंने व्लॉग, और आगे और 5-6 ब्लॉग्स तो कम से कम आएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि और भी जितने भी ब्लॉग्स आएंगे अभी ये सीरीज़ के, बहुत ही मज़ेदार आने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं ये चीज़ को लेके। कल शाम से हम लोग 5 बजे से हम लोग निकले हैं, चले हैं, और आज नेक्स्ट डे हो गया। यानी 19th May से हमने जर्नी स्टार्ट की थी और आज 20th May है, और अभी सुबह के 8 बज रहे। सो यस, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरा ड्यूटी फ्री, सारे जो भी यहाँ पे शोरूम्स है सारे ड्यूटी फ्री है। और बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। आई थिंक
हमको जहाँ पे जाना है जो टर्निंग गेट पे, वो हमने जहाँ से एंट्री की ना वहाँ से अप्रोक्सीमेटली ऐसा मुझे लग रहा है कि 2.5-3 किलोमीटर जितना होगा अंदर ही ये पूरा जो आप देख रहे हो ये चारों बाजू। तो अच्छी खासी वॉक जो है वो हो जाएगी यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको थोड़ा सारे व्यू दिखाता हूँ एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉप्स के। गाइज़ वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये उल्टा दिख रहा है मिरर इफेक्ट के कारण, लेकिन नेपाल जा रहे हैं हम लोग। फ्लाइट में बैठ गए हैं 11:45 है अभी, 10:40 हुए और टेक ऑफ करने जा रहे हैं। 12:30 के आसपास हम लोग नेपाल पहुँच जाएंगे और उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है इस टूर में, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइज गो एयर वाली जो फ्लाइट है वो जा रही है और उसके ऊपर एक और फ्लाइट जो है लैंडिंग कर रही है, दिख रही है। हम लोग लाइन में खड़े हैं टेक ऑफ करने के लिए और पहले ये गो एयर वाली फ्लाइट जाएगी, वहाँ पे एक फ्लाइट लैंडिंग कर रही है और उसके बाद हमारा नंबर आएगा। सो फाइनली हम लोग नेपाल में यहाँ के लिए थी होटल में जो है पहुँच गए और बहुत ही बेहतरीन हमारा यहाँ पे वेलकम किया गया है और अभी रिसेप्शन में ये एंटर कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया 5-स्टार प्रॉपर्टी है, एंट्री तो बहुत बढ़िया है, अंदर जाके देखते हैं अभी रूम्स भी कैसे हैं। ये रिसेप्शन का एरिया है, यहाँ पे चेक इन की प्रोसेस कर रहे हैं अभी और ये रेस्टोरेंट और इस तरह का कुछ एंट्री है होटल की। और
ये लिस्ट दी हुई है इस रिसोर्ट में क्या क्या अवेलेबल है उस चीज़ की। सो गाइस, याकन यति में चेक इन की प्रोसेस चल रही है अभी और हम सब की बैटरी जो है बिल्कुल डाउन हो गई है। मेरे फेस पे से भी दिख रहा होगा कितना टायर्ड हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन जितना टाइम हो गया है सोया नहीं हूँ। एटलीस्ट 36 आवर्स तो हो ही गए और इतना जर्नी करके आए हैं। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बेड मिल जाए और अभी सो जाऊँ। तो आज का ये व्लॉग जो है यहीं तक रखते हैं। आई नो आज के व्लॉग में उतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि ये जर्नी ही थी, मतलब ट्रेन में और फ्लाइट में ही अभी तक किया। लेकिन आज शाम को अगर कुछ और करेंगे तो एंड में और पोस्ट क्रेडिट सीन के तरह के मैं डाल दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट व्लॉग से जो है प्रॉपर यहाँ का हम लोग जो घूमने के लिए आए हैं वो हमारा आइटिनरी जो है कल से स्टार्ट होगी। तो कल से व्लॉग जो है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। आज का व्लॉग भी वैसे कंपेरेटिवली अच्छा ही है, लाइक मतलब मुझे तो अच्छा लगा अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस किया। वो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।